नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के 7 जिलों में 24 जनवरी को भारी बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। 23 जनवरी को प्रदेश के 7 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 24 जनवरी को प्रदेश में भारी बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट शिमला, मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए जारी किया गया है। भारी बारिश व बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों व पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। ट्रैकिंग पर जाने वाले पर्यटकों को ट्रैकिंग न करने की सलाह दी गई है। सीएम सुक्कू के दिल्ली से लौटते ही हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। डीसी एसपी के हो सकते हैं तबादले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू के दिल्ली से लौटते ही हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कई जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर ली है। जल्दी ही कई डीसी और एसपी के तबादले हो सकते हैं। कई विभागाध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने शनिवार देर रात तक राज्य सचिवालय में इस संबंध में विस्तार से चर्चा की है। चर्चा के बाद जिला शिमला और कुल्लू के पुलिस अधीक्षकों का तबादला हो गया है। लकड़ बाजार क्षेत्र से 5 कारों की बैटरियां उड़ा ले गए शातिर। लकड़ बाजार क्षेत्र में शातिरों ने वाहनों में सेंधमारी की है। शातिर करीब 5 कारों से बैटरियां चुरा ले गए। कारों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। वाहन मालिकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि पुलिस के मुताबिक धुदली और कोफ्टा धार क्षेत्र में रात को ये वारदात पेश आई है। धुदली निवासी पुनीत ने बताया कि उनके कार से बैटरी चोरी हुई है। हिमाचल कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खोलेगी मोर्चा, शुरू होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। हिमाचल कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से आरंभ करेगी और ये प्रदेश भर में 1 माह तक चलेगा। पार्टी केंद्र सरकार की विफलता को लेकर लोगों तक संदेश पहुंचाएगी। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने बताया कि अभियान जिला मंडी के जोगिंदरनगर से 26 जनवरी को आरंभ किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह अभियान प्रदेश के निचले स्तर तक चलाया जाएगा।